Hello students, today we are starting EVS chapter 17. The chapter name is Across the Wall. Across the Wall, जैसा कि हमें लग रहा है कि wall means दीवार, तो यहाँ पर जो wall के बारे में लिखा गया है वो एक bricks wall नहीं है, मतलब एक दीवार जो ईंट से बनी हो वो नहीं है। यहाँ पर across the wall का meaning है कि अपनी सीमा को पार करना, मतलब कोई boundary line है उसको cross करना। इस चैप्टर में कुछ गर्ल्स की स्टोरी है जिन्होंने कैसे एक बास्केटबॉल टीम है उसके वो प्लेयर्स हैं, उनकी स्टोरी है जिन्होंने अक्रॉस द वॉल का मीनिंग यहाँ पर वही है कि जनरली होता है कि गर्ल्स के लिए एक बाउंड्री लाइन बना दी जाती है कि नहीं आपकी यही सीमा है, आपको इससे ज़्यादा ये नहीं करना है, आपको ये बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। तो उन गर्ल्स की स्टोरी है जो एक बास्केटबॉल टीम प्लेयर हैं जिन्होंने कैसे उस बाउंड्री को क्रॉस किया और वो बास्केटबॉल टीम की प्लेयर बनी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्स इन हर आईज, इंडियन एक्सप्रेस 2007। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर एडिशन है 2007 का, उसमें एक आर्टिकल है वो उसके बारे में है, स्टार्स इन हर आईज की। आईज में स्टार होना मतलब कि एक ड्रीम होता है ना, उसको कंप्लीट करते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ हमारी आंखों में सितारे हैं, वही है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि एक 13 साल की लड़की है, गर्ल है, अफसाना मंसूरी उसका नाम है, अफसाना मंसूरी है, उसने वॉल क्रॉस की, मतलब वॉल जंप की, मतलब उसकी एक बाउंड्री थी कि नहीं उसको अपनी झुग्गी में, मतलब वो एक झोपड़पट्टी में रहते थे, झुग्गी से लेके और वो उसने वो क्रॉस किया और बास्केटबॉल कोर्ट तक कैसे पहुंची उसकी स्टोरी है। द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग। यहाँ पर वही है कि गर्ल है एक जो झोपड़पट्टी में रहती थी और उसकी सोसाइटी ने ऐसी थी कि नहीं गर्ल्स को ये काम नहीं करना है। तो वो जो लड़की थी वो क्या करती थी, बर्तन साफ करने के लिए जाती थी। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। और जेंडर वॉल होती है ना वही कि गर्ल है, फीमेल है तो उसको ये वर्क नहीं करना है और बॉयज़ हैं वही कर सकते हैं ये वर्क। तो मेल और फीमेल के बीच का जो जेंडर डिफरेंस होता है वो उसकी माँ ने उसके सामने रखा हुआ था कि नहीं आप गर्ल हो, आपको यही काम करना है, मतलब घर का काम ही करना है। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। लेकिन अफसाना अभी क्या है, वो किस पोजीशन पे है कि वो NBA मतलब नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है, नागपाड़ा बास्केटबॉल एक टीम है उसमें वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। टुडे शी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू बास्केटबॉल कोर्ट लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। और केवल अफसाना ही नहीं, उसके वो और भी जो 5 गर्ल्स हैं उनके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल प्ले करती हैं। जो वो सारी गर्ल्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हैं अपनी एवरीडे की लाइफ से। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। और वो जो अफसाना है वो एक स्टार है अपनी टीम के लिए। दिस टीम हैज़ मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई क्लब टीम। और यहाँ पर जो मुंबई क्लब टीम है वो वहाँ पर एक सरप्राइज है उनके लिए, वो उसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज द टीम हैज़ रीच द सेमी फाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। और अपने मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने की वजह से, उन्होंने मेहनत की वजह से, अपने गट्स और अपनी मेहनत की वजह से वो आज कहाँ पहुँच गए हैं, सेमी फाइनल में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके फाइनल्स में पहुँच गई है वो टीम। जैसे कि पिक्चर में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स की टीम है जो बास्केटबॉल पकड़े हुए हैं और ये एक बास्केटबॉल टीम है। नाउ आगे हम देखेंगे मीटिंग द टीम। अभी हम टीम से मिलेंगे कैसे। वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग them to you। हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना उन गर्ल से मिला जाए, क्योंकि जब उन्होंने न्यूज़पेपर में अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना उस टीम से और अफसाना से मिला जाए, वो गर्ल्स हैं उनसे मिलना चाहिए और इंट्रोडक्शन करना चाहिए। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन।
तब उन्होंने क्या किया कि मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन ली और वहां पर गए. फ्रॉम देयर वी वॉक्ड टुवर्ड्स नागपाड़ा. और वहां से उन्होंने मुंबई जब रेलवे स्टेशन वहां पे पहुंचे वहां से ट्रेन लेकर, उसके बाद नागपाड़ा जो है वहां तक वो वॉक करके गए. इट टुक्स जस्ट अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर. और उन्हें लगभग 20 मिनट्स लगे स्टेशन से नागपाड़ा पहुंचने में. देयर वी मीट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. जहाँ पर वो किससे मिले, दे मेट, मतलब उन्होंने वो हम मिले किनसे, अफसाना और अदर जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो टीम की प्लेयर्स हैं उनसे मिले. रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स. अब हम आगे उन टीम मेंबर्स का इंटरव्यू पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या बातें की वो गर्ल्स ने. मीट दिस स्पेशल टीम, यहाँ पर उस स्पेशल टीम के लिए बोला गया है जो गर्ल्स की बास्केटबॉल टीम है. मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन. ये फोर गर्ल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, फोर गर्ल्स हैं. इनका इंटरव्यू है वो हम देखेंगे. एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप. पहले क्या था कि स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वो एकदम शांत थी, फिर बाद में जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो चुप ही नहीं हुई थी. तो फर्स्ट है जरीन बेगन. जरीन बेगन है वो, उसकी स्टोरी है पहले कि वो बोलती है माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉज द बॉयज प्ले, आई वॉज इन क्लास 7th एट That time, जब वो 7th क्लास में थी तब की स्टोरी बता रही है कि जब मैं 7th क्लास में थी मेरा घर था वो उस ग्राउंड के सामने ही था जहाँ पर बास्केटबॉल खेली जाती थी. मेरा भाई था वो जनरली उसमें खेलने जाता था और मैं बालकनी से बॉयज़ को खेलते हुए देखती थी. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. तब मैं हमेशा देखती थी कि जब बॉयज़ की टीम खेलती है और वो जीतते थे तो क्या होता था कि उनको बहुत सारी प्रेज मिलती थी, मतलब उनको जीत के लिए बहुत सारी बधाइयाँ मिलती थी जब भी वो जीतते थे. तो एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर्स, और हर कोई चीयर्स करता था, मतलब उनको अप्रिशिएट करता था प्लेयर्स को. ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट. तब ये सब देखकर उसे लगता था कि मुझे भी खेलना चाहिए और मुझे भी एक चांस मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए. आई आस्क्ड द कोच बट वॉज अफ्रेड. फिर मैंने सोचा कि मैंने कोच से पूछा बट मैंने अफ्रेड, मतलब थोड़ा डर के पूछा खेलने के लिए. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर. और जो कोच थे, कोच कौन होते हैं, जो एक टीम को रेडी करते हैं और उनको सिखाते हैं कोई भी गेम खेलना. तो यहाँ पर जो कोच हैं वो कौन थे, उसके फादर के फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे. द कोच सैड वाई नॉट. तो कोच ने क्या बोला कि क्यों नहीं, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू. तब वो कोच ने बोला कि क्यों नहीं, अगर कुछ गर्ल्स और हो जाएं तो एक टीम बन जाएगी और फिर मैं आपको वो सिखा सकता हूँ, मतलब मैं आपको टीच कर सकता हूँ. देखो यहाँ पर वो जरीन बेगन है, उसका बताया हुआ है पिक्चर की बास्केटबॉल कोर्ट है. आगे हम सेकंड और स्टोरी देखते हैं जिसका टॉपिक है वी आस्क्ड वाज इट इजी टू मेक अ बिगनिंग. फिर हमने पूछा कि क्या आपके लिए स्टार्टिंग में ये इजी था सारी गर्ल से. तो खुशनूर है, उसका रिप्लाई आता है एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज बट वेन आई इंसिस्ट दे एग्रीड. पहले मेरे पेरेंट्स थे वो एग्री नहीं थे बट जब मैंने इंसिस्ट किया उनको थोड़ा सा फोर्स किया कि तब वो एग्री हो गए. फिर अफसाना बोलती है माई मदर वर्क इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल, आई ऑल्सो हेल्प हर वैन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल. अम्मी गॉट एंग्री, सी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. बट वैन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर अम्मी एग्रीड. यहाँ पर अफसाना बता रही है कि मेरी जो अम्मी थी, मतलब मेरी जो मदर थी, मेरी जो माँ थी, वो फ्लैट में काम करती थी और हमें स्कूल भेजती थी और हमें हमेशा बोलती थी कि आपको है ना स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और खेलना नहीं है, बास्केटबॉल नहीं खेलना है. आप गर्ल हो, गर्ल्स क्या करती हैं, बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं, अपना वर्क करो और अपनी स्टडी करो. और वो क्या है, अपनी माँ की हेल्प भी करती थी जहाँ पर वो काम करने जाती थी. तब उन्होंने उनको बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्राउंड में खेलने जाने के लिए.
बट मेरे फ्रेंड और कोच सर हैं, उन्होंने जब बोला, मेरी अम्मी से बात की, तो वो एग्री हो गई, मेरी अम्मी एग्री हो गई बास्केटबॉल खेलने के लिए, खिलवाने के लिए, कि मैं बास्केटबॉल खेल सकती हूँ, ऐसी मुझे परमिशन दी। फिर अफरीन है, अफरीन की स्टोरी है, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। फिर जैसे कि हमने इन दोनों की स्टोरी सुनी कि उनकी, जैसे अफसाना की अम्मी खुशनूर, उनके पेरेंट्स वो सब एग्री नहीं थे, वैसे ही अफरीन है, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो एग्री नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अलाउड नहीं किया था कि गर्ल्स, क्योंकि हम गर्ल्स हैं इसलिए वो अलाउड नहीं करती थी कि हम बास्केटबॉल खेलें। बट स्टिल वो गुस्सा करती थी, बट स्टिल फिर भी वी थ्री सिस्टर्स कम हियर टू प्ले, फिर भी हम तीन बहनें थे, हम तीनों ने खेलना स्टार्ट किया। ग्रैंड मदर स्कॉल्ड्स अस एंड इवन स्कॉल्ड्स अवर कोच सर, वो हमें डांटती थी, यहाँ तक कि वो हमारे जो कोच सर से उनको भी स्कॉल्ड करती थी। सी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। फिर आपको क्या होगा, जब आप खेलने जाओगी तो आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, आपको स्ट्रांग बनने के लिए मिल्क की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें उनके पास उतनी मनी नहीं थी, इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर मना करती थी। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दीज कम फ्रॉम, फिर इसके लिए मनी कहाँ से आएगी अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो। बट डैडी अंडरस्टैंड आर फीलिंग, पर जो मेरे डैडी थे उन्होंने मेरी फीलिंग को समझा, हमारी फीलिंग को समझा। ही इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, और उन्होंने खुद हम लोगों को कुछ मूव सिखाए गेम के लिए। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड वेन ही वॉज यंग, मेरे डैडी जब यंग थे तब वो खुद प्ले करते थे, वो खुद खेलते थे उस ग्राउंड में। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लॉथ्स, जबकि उनके पास प्रॉपर उसके लिए क्लॉथ्स और शूज़ नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, और वो किससे प्रैक्टिस करते थे, एक प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच वेन ही यूज टू प्ले, डैडी ने बताया कि बच्चू खान थे उस टाइम पर, वो कौन थे, कोच थे जब वो खेलते थे, उनके डैडी जब खेलते थे तब उस टाइम पर कोच कौन था, बच्चू खान। He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. तब बच्चू खान ने जब मेरे डैडी को देखा था, तो खेलते हुए देखा था एक बार, तो उनको लगा कि क्यों ये लड़का है, ये अच्छे से खेल सकता है, तो उन्होंने उसको प्रॉपर ट्रेन किया। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लॉथ्स टू माई डैडी, और उन्होंने मेरे डैडी को शूज़ और प्रॉपर क्लॉथ्स दिए गेम खेलने के लिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, मेरे जो डैडी थे वो एक अच्छे गेम प्लेयर बन सकते थे। बट एंड टुक अप अ जॉब, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, बट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होने की वजह से उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट द गेम, उन्होंने गेम को छोड़ दिया और एक जॉब कर ली, टुक अप अ जॉब। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, पर वो चाहते थे कि हम एक अच्छे प्लेयर बने। आगे की स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक है, वी आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम, हमने फिर उनसे पूछा कि आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। ये एक इंटरव्यू चल रहा है जो कि गर्ल्स का इंटरव्यू है जो बास्केटबॉल टीम प्लेयर हैं। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं कि जैसे आपको कौन कौन सी, एक टॉपिक रहते हैं ना कि आपको पहले कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा, स्टार्टिंग में आपके लिए ईजी था कि डिफ़िकल्ट था। फिर दूसरा टॉपिक है कि हमें हमारी आपकी टीम के बारे में बताइए, तो टेल अस अबाउट योर टीम। वन गर्ल, फिर उनमें से एक गर्ल बोलती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स play basketball, now people are no longer surprised, they have begun to accept that we girls can also play well. एक लड़की ने बोला कि स्टार्टिंग में तो हमें इतना स्ट्रेंज लगता था, थोड़ा डर भी लगता था कि जो लोग थे वो हमें देखने आते थे कि गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं। स्टार्टिंग में तो हमें भी डर लगता था कि लोग हमें प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और वो इतने क्यूरियस होते थे कि क्या गर्ल्स भी गेम खेल सकती हैं। बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि हम लोग खेलते हुए हमें देखा, तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गर्ल्स हैं वो भी गेम खेल सकती हैं, बास्केटबॉल खेल सकती हैं अच्छे से। फिर अफसाना बोलती है, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वैन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच।
तब मैं 11 साल की थी जब मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट ही किया था। तब हमें कहीं बाहर भेजने के लिए अलाउड नहीं करते थे कि हमें बाहर भेजा जाए गेम खेलने के लिए किसी और जगह। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स सिंस देन, इस बात को 2 साल पहले की बात है ये। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्क एंड सर कोचिंग। पर अब उस बात को 2 साल हो चुके हैं, अभी हमें बाहर अलाउड करते हैं मैच खेलने के लिए, बट ये सब कैसे हो पाया? हमारे हार्ड वर्क की वजह से और जो हमारे सर हैं, जो हमारे कोच सर हैं, उनकी वजह से, हमारे और उनके हार्ड वर्क की वजह से हो पाया। नाउ एनदर गर्ल, अब कोई दूसरी गर्ल है, वो बोलती है, यस वी रियली वर्क हार्ड, सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आर एक्सरसाइज। फिर उसने बोला कि वाकई में हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमारे जो कोच सर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो क्या करवाते हैं, स्टार्टिंग में हमसे पहले जॉगिंग करवाते हैं, मतलब रनिंग करवाते हैं पहले, उसके बाद हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं। सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, और हमें सिखाते हैं कि गेम को कैसे अच्छे से खेलना चाहिए। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डोंट द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम हाउ टू थ्रो द प्ले इन द बास्केट टू स्कोर अ गोल टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे दूसरी टीम है उससे चालाकी करके वो बॉल को बचाना है, कैसे उसको हमें बास्केट में डालना है, कैसे हमें उसको लेके रन करना है, कैसे एक दूसरे को बॉल पास करना है, ये सारी चीज़ें हमें कोच सर ने सिखाई। अभी अफरीन बोलती है, सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स, और सर ने हमें सिखाया कि जब आप गेम खेल रहे हो, जब भी प्लेइंग कर रहे हो, तो ये नहीं सोचना है कि आप एक गर्ल हो, कभी भी ये नहीं सोचना है। प्ले लाइक अ प्लेयर, और एक प्लेयर की तरह खेलना है। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, और आपको तब भी खेलते रहना है जब आपको थोड़े बहुत इंजर्ड हो जाओ आप, मतलब थोड़ी बहुत चोट लगे तो भी आपको खेलते ही रहना है। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, नाउ आवर गेम हैज इम्प्रूव्ड अलॉट, एवरी वन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज अ बॉयज टीम। तब हम एक दूसरे को खुद ही चीयर्स करते थे कि कम ऑन, और ऐसा बोल के कि यू गेट अप यू आर फाइन, मतलब आप ठीक हो, और आप इस तरीके से हमारा गेम इम्प्रूव हुआ और हर कोई हम भी बहुत अच्छे से गेम खेलने लगे जैसे कि बॉयज़ की टीम खेलती थी। नाउ वन गर्ल, अभी एक गर्ल बोलती है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, हम अब बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलते हैं। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, और बराबरी के जैसे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल है वो तो उनके साथ कुछ स्पेशल हो कि नहीं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए उनको, मतलब वो बॉयज़ के साथ इक्वलिटी से गेम खेलते हैं। दे शुड नॉट बी लेनेंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, समटाइम्स वी गेट एंग्री वैन द बॉयज़ imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistake. If the boys try to cheat, we scold them. फिर क्या होता था कि generally होता है ना कि boys का रहता है कि वो ऐसा feel कराते हैं आप तो girls हो, इस तरीके से वो हमारे साथ कई बार ऐसे हमें बुरा feel कराते थे, but हम उसको as a challenge लेते थे और accept करते थे हमारी mistake को। और कई बार boys होते थे वो cheat भी करते थे, मतलब cheating से धोखा देके हमें जीतने के लिए धोखा देते थे, पर हम उनको भी स्कॉल्ड करते थे और उनके साथ भी स्ट्रिक्टली गेम खेलते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कशन का, दैट इज वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम। तब हमने उनसे पूछा कि आप अपनी टीम के बारे में और कुछ बताओ। वन गर्ल, उनमें से फिर एक गर्ल बोलती है, आर टीम इज वेरी स्पेशल, आर टीम इज यूनाइटेड, इवन इफ वी क्वेरल वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट। तब उसने बताया कि हमारी टीम है वो स्पेशल टीम है, हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वी आर यूनाइटेड, इवन जब भी हमारा झगड़ा भी होता है तो भी हम क्या करते हैं, क्विकली मेकअप कर लेते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं और वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, और हम साथ में रहकर कैसे खेलते हैं वो सीखते हैं। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ मुंबई टीम, हम में से कुछ गर्ल्स हैं जिनको मुंबई की टीम के लिए भी खेलने के लिए चांस दिया गया। द मैच वॉज एट सोलापुर, और जो मैच था वो कहाँ पर था, सोलापुर में था। जरीन, अभी जरीन है, उसने क्या बोला, वैन वी वेंट टू सोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स।
तब वहाँ पर क्या था कि और भी अदर स्टेट्स की गर्ल्स भी आई थी, लेकिन वो उन क्या कैसा बिहेव कर रही थी, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे कि हम जूनियर हैं, जूनियर्स मतलब छोटों के साथ जैसा बिहेव करते हैं वो वैसा बिहेव कर रही थी कि लेट गो कर रही थी उनको, दे वुड नॉट इवन गिव अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, और उन्होंने हमें अच्छे से खेलने का चांस भी नहीं दिया, मौका भी नहीं दिया, वी फेल्ट वेरी बैड, हमें बहुत बुरा फील हो रहा था। There was no cooperation at all in the team. वहाँ पर क्या था कि जो टीम्स थी उसके बीच में कॉपरेशन नहीं था, मतलब जो सोलापुर में जो टीम खेलने के लिए गई थी वो मुंबई की टीम थी, उसमें कुछ गर्ल्स इस टीम की थी, जो नागपाड़ा टीम है एसोसिएशन उसकी गर्ल्स थी और कुछ अदर स्टेट की गर्ल्स थी, बट वो आपस में कॉपरेट करके नहीं खेल रही थी, वो ऐसा फील करा रही थी कि हम जूनियर्स हैं और हमारे साथ कॉपरेट करके गेम नहीं खेल रही थी, तो टीम वर्क में मज़ा नहीं आ रहा था उनको। During the match, I threw the ball to one of the team members, but she could not catch it. In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake. In all this misunderstanding, we lost the match. इस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने बॉल पास की अदर टीम को, अदर टीम के प्लेयर, हमारी टीम के दूसरे प्लेयर को, तो उसने क्या किया, उसको कैच नहीं किया और उसको जाने दिया, और जबकि वो वापस क्या हुआ कि मुझे ही डांटने लगी थी, मुझे ही स्कॉल करने लगी थी, मुझे ही ब्लेम कर रही थी कि आपकी मिस्टेक है, ऐसा बोल रही थी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम वो मैच हार गए थे। बट दिस नेवर हैपन्स इन आर ओन टीम, जबकि हमारी जो खुद की टीम थी, मतलब हमारी जो नागपाड़ा एसोसिएशन की टीम थी, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके मिलजुल कर गेम खेलते थे। वी डू नॉट गेट एंग्री, वी से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। फिर भी हमको गुस्सा नहीं आया और हमने गुस्सा नहीं किया, हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा खेलेंगे। It is most important to support each other because we are all part of a team. और हमें जब भी ऐसा हो तो हमें ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक टीम के पार्ट हैं, हम एक ही टीम के पार्ट हैं। अभी अफरीन है, अफरीन क्या बोलती है, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज्ड वॉट वॉज स्पेशल अबाउट आवर टीम, आर टीम। अफरीन ने उसने बोला कि हमने उससे रियलाइज़ किया कि सोलापुर है, वो सोलापुर की जो टीम थी वहाँ से हमने कुछ रियलाइज़ किया, कॉपरेशन बिटवीन अस इज़ आर स्ट्रेंथ, हमारे बीच में जो कॉपरेशन है मीन्स मिलजुल कर खेलना है वो ही हमारी स्ट्रेंथ है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सीलेंट द टीम कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। टू प्ले एज अ टीम इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पर अफरीन ने वही बताया कि चाहे हम सारे बहुत अच्छे प्लेयर हों, लेकिन टीम के बीच में अगर कॉपरेशन नहीं है, अगर हम मिलजुल कर नहीं खेलते हैं, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या है, कॉपरेशन है, मिलजुल कर गेम खेलना है। अगर हम नहीं खेलते हैं तो हम कोई भी मैच लूज कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी एक्सीलेंट प्लेयर हों सारे के सारे, बट कॉपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब जो टीम है, अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की, उनको पता होना चाहिए कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है उनका जो डिस्कशन का, दैट इज वी सेड यू हैव डन सो मच व्हाट नेक्स्ट। तब हमने उनको बोला कि आपने बहुत कुछ किया है, अभी आगे आपका क्या प्लान है आगे और कुछ करने का। अफसाना, वी हैव, तब अफसाना ने बोला, वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, वी हैव प्लेड फॉर आर कंट्री एंड आर स्टेट, वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आर कंट्री समडे। तब अफसाना ने बोला कि हम अच्छे से खेलते हैं और अब हमें चांस मिलता है दूसरी जगह जाने का भी, और वहाँ पर अलग अलग जगह जाकर खेलने का। हम हमारी सिटी के लिए खेल चुके हैं, स्टेट के लिए खेल चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि अब हमारी कंट्री के लिए खेलें। यस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, जिससे कि जैसे क्रिकेटर फेमस है वैसे हम भी फेमस हो। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आर एरिया एंड आर कंट्री, वी वॉन्ट टू सो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, वी विल मेक दिस हैपन। और हम अच्छा खेलना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए भी खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे एरिया और कंट्री का नाम हो और हम फेमस हो, कि इंडियन की गर्ल्स की ग्लोरी हो, नाम हो और हम गोल्ड मेडल लेकर आए, ऐसा हम इस तरीके से हम कंट्री के लिए भी खेलना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं
कि हमारा कंट्री का नाम हो। चलिए आगे जो टॉपिक है, वी आस्क्ड डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज, फिर हमने उनसे पूछा कि आपने और कुछ डिफिकल्टीज को फेस किया और आपको कुछ परेशानियां आई उसमें, तो खुशनूर है वो रिप्लाई करती है, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली एज गर्ल्स, इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफिकल्ट। अगर सच बोलूँ तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, ईजी नहीं था एज ए गर्ल, मतलब एक लड़की होने की वजह से ये हमारे लिए गेम खेलना एक ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। वी हैड टू कन्विंस आर फैमिली, हमने हमारी फैमिली को कन्विंस किया, रेडी किया। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, कई बार हमें लड़ना भी पड़ता था। इवन टूडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, और आज भी ऐसा होता है कि कुछ गर्ल्स हैं जिनको खेलने के लिए मना किया जाता है, उनको एग्री नहीं होते हैं। फॉरगेट गेम्स अर्लियर, सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, और कुछ जगह तो ऐसा होता है कि गर्ल्स को स्टडी करने के लिए भी परमिशन नहीं होती है, उनको उस चीज़ के लिए भी रोका जाता है। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस, जैसे कि मेरी माँ थी वो भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी बट उनको कोई चांस नहीं दिया गया, उनको कोई मौका नहीं दिया गया। सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम, स्विमिंग एंड ड्रामा, इस वजह से, लेकिन मेरी माँ चाहती थी इसी वजह से कि उनको कोई चांस नहीं मिला है, तो वो हमेशा मुझे इनक्रेज करती थी कि मैं सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, जैसे कि गेम हो, स्विमिंग हो, ड्रामा हो, ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। अभी अफसाना बोलती है, Even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. The boys go here and there and can chit chat till late. अभी आज की डेट में क्या होता है कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपना जल्दी से गेम फिनिश करें और टाइम पर घर पहुंच जाए, जबकि बॉयज़ होते हैं वो गेम खेलने के बाद भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं चिट चैट करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए लेट तक रुक सकते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, और उनको कुछ नहीं बोला जाता है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन टू और थ्री हाउसेज, मैं स्कूल से आने के बाद अपनी मदर की दो से तीन घरों में हेल्प करने जाती थी उनके काम में, डू माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडी भी करती थी, एंड देन कम हियर टू प्ले, और उसके बाद मैं खेलने आती थी। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, और मैं घर पे भी हेल्प करती थी। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, माई मदर देन मदर सेज ही हैज़ थ्री सिस्टर्स येट ही हैज़ टू वर्क, तब अगर मेरे भाई को कभी चाय भी चाहिए और वो खुद से वो चाय बनाने के लिए भी जाता था तो मेरी मदर बोलती थी कि तुम्हारी तीन बहनें हैं तो तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पर ये बताया है कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस, कि लोगों को ऐसी सोच थी कि बॉय है तो उसको काम नहीं करना है घर का, सिर्फ गर्ल्स को ही करना होता है। तो यहाँ पे अफसाना की मदर की भी सेम वही थिंकिंग थी कि उनका जो बेटा था उसको वो अलाउड नहीं करती थी कि कुछ भी काम नहीं करना है, आपकी इतनी सिस्टर्स हैं, तीन तीन सिस्टर हैं तो वो काम करेंगे। वन गर्ल, उनमें से फिर एक गर्ल बोलती है, वहां पर एक गर्ल है वो बोलती है फिर कि नाउ जस्ट लुक एट जरीन यंगर ब्रदर, ही इज ओनली 5 years old बट ही सेज मम्मी व्हाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले। तब उनमें से एक लड़की बोलती है कि जो जरीन है उसका यंगर ब्रदर कैसा है, वो सिर्फ 5 साल का है बट फिर भी अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी क्यों मम्मी दीदी को बाहर खेलने के लिए भेजती हो, शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, आस्क हिम इफ ही प्ले ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफकोर्स आई विल प्ले, और वो अच्छी नहीं दिखती है खेलते हुए। और जब उससे पूछा जाता है कि आप खेलते हो, आप खेलोगे, तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो बॉय हूँ और मैं खेल सकता हूँ। तब अफसाना बोलती है बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज वुड विश टू बी लाइक मी। और अफसाना बोलती है कि हर किसी को खेलना चाहिए क्योंकि खेलना बहुत अच्छा होता है और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है प्ले करने से, मीन्स वो हेल्थ की वजह से बोल रही है कि खेलना अच्छा होता है और वो चाहती है कि वो एक गुड प्लेयर बने और उसका इतना ऐसा हो कि जो अदर गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो भी विश करें कि उसके जैसे बनने के लिए, कि हम अफसाना के जैसे बने, ऐसा अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ भी सोचें। नेक्स्ट है व्हाट नेक्स्ट, मतलब आगे क्या प्लान है आपका, आगे क्या करना है। तो अफरीन बोलती है आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। अफरीन बोलती है
कि हम अगर कोई भी ड्रीम देखते हैं, अगर कुछ चाहते हैं करने के लिए अपनी लाइफ में, कोई सपना देखते हैं, कुछ सोचते हैं, तो हमें उसको करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, अच्छे से अच्छा मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए, जिससे कि हम उसको पूरा कर पाएँ, उसको फुलफिल कर पाएँ। खुशनूर बोलती है, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। और अगर हमने कोई सपना देखा है, हमने कुछ सोचा है कि हमें ये करना चाहिए, तो हमें उसकी हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए, कि हम उसके लिए बोल पाएं। अदरवाइज बाद में क्या होगा, जब टाइम निकल जाएगा तो हमें रिग्रेट होगा, मतलब हमें पछतावा होगा उस चीज के लिए कि हमने बोला क्यों नहीं। नेक्स्ट, वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। अभी उन्होंने बोला कि हम न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, ये आपके लिए बुक में छपवाने वाले हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है, उन गर्ल से ऐसा पूछा। तो अफरीन ने बोला, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर हैप्पीनेस, वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस। तो अफरीन ने बोला कि हम बहुत खुश हैं, और ये मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी खुशी को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और हम इससे भी अच्छा खेलना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारे एरिया को और कंट्री का को फेमस कर सकें, उनका नाम कर सकें। ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स साथ में बोलती हैं, यस दिस इज़ आवर विश टू, ये हम सबकी कामना है, मतलब हम सबकी इच्छा है कि हम हमारी कंट्री का नाम रोशन करें। अब छोटा सा है, एक पैराग्राफ है कोच सर के बारे में, कि कोच सर कौन थे और उन्होंने कैसे अपना गेम स्टार्ट किया, कैसे कोचिंग स्टार्ट की, मतलब सिखाना स्टार्ट किया गेम। द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड, दिस इज द ओनली प्लेग्राउंड इन दिस एरिया, दिस इज आवर स्मॉल बच्चू खान प्लेग्राउंड। जो हमारी टीम के कोच थे नूर खान, वो हमें बताते हैं कि जो मुंबई का जो ये एरिया है वो बहुत क्राउडेड था, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, यहाँ पर ये ही एक ऐसा प्लेग्राउंड था इस एरिए में जो कि एक छोटा सा था, और बच्चू खान प्लेग्राउंड के नाम से लोग उसको जानते थे। अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान यूज़ टू लिव इन आर एरिया, और एक पर्सन था मुस्तफ़ा खान जो इस एरिए में रहता था। एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, हर कोई था जो उनसे डरा हुआ रहता था, मतलब उनसे थोड़ा डर के रहता था। बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान। बट जो बच्चे थे वो उनके साथ अच्छे से रहते थे, उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति गुड था, इस वजह से उनको बच्चू खान बुलाने लगे थे। मतलब उनका एक्चुअल नाम जो था वो मुस्तफ़ा खान था, बट बच्चों के साथ उनका अच्छा बिहेवियर होने की वजह से सब उन्हें क्या बुलाने लगे थे, बच्चू खान। देयर वॉज नो ग्राउंड देन, इट वॉज जस्ट मडी लैंड, यहाँ पर वो ग्राउंड नहीं था उस टाइम पर, वो एक मडी लैंड थी, मतलब मिट्टी हुआ करती थी। बच्चू खान यूज़ टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान ने बच्चों को ट्रेन किया, बच्चों को खेलने के लिए ट्रेनिंग दी। वी वर अमॉन्ग दोज चिल्ड्रन, इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान डिवोटेशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज। और बच्चू खान है, उन्होंने उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने जब ट्रेनिंग दी प्लेयर्स को, तो वो इस लायक हो पाए कि वो अदर टीम और कंट्रीज के साथ में कॉम्पीट कर सकें, कॉम्पिटिशन कर सकें। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, और बच्चू खान की तरह ही मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ट्रेनिंग, मेरे जो टीम के प्लेयर हैं, मैं उनको ट्रेन कर सकूँ। ये ऐसा यहाँ पर नूर खान है, वो कोच है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। टुडे आवर टीम है सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, और हमारी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड, एक अवार्ड होता है जो बास्केटबॉल प्लेयर्स को दिया जाता है, तो उसका नाम है अर्जुन अवार्ड, जो इंटरनेशनल लेवल पर बास्केटबॉल जीतते हैं उनके लिए है। तो कुछ उनमें से जो हमारी टीम है, उनमें से कुछ ने अर्जुन अवार्ड भी जीता है। नूर खान कंटिन्यू, नूर खान फिर आगे बोलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर, और कुछ सालों में हमने एक गर्ल की टीम भी प्रिपेयर की है जो बास्केटबॉल खेलती है। आर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, और हमारी जो गर्ल्स की टीम है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलती है, महाराष्ट्र स्टेट टीम है उसका नाम। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, आर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, और वो एक डिसिप्लिन में रहकर गेम खेलते हैं। जो गर्ल और बॉयज़ हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग फैमिलीज से होते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स,
सम फ्रॉम रिचर, सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश. कुछ हैं जो पुअर फैमिली से हैं, कुछ हैं जो रिच फैमिली से हैं, और कुछ हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं. मतलब अलग अलग टाइप की फैमिली से वो बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज. बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम. बट जब वो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं तो वो एक टीम की तरह खेलते हैं. वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो पुअर हैं, रिच हैं या किस फैमिली से हैं. नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF में सेंड करूंगी. ओके, थैंक यू.